हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं गाइस आप लोगों के लिए एक तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के रिजल्ट के रिगार्डिंग न्यूज़ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला है, तो आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही होगी। तो थर्ड ईयर का और फाइनल ईयर के रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं जो कि 18 मार्च से, उनकी भी एक डिटेल देने वाला हूँ कि एग्जाम फॉर्म्स के रिगार्डिंग उनके भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग तक नहीं पहुंच पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का रिजल्ट कब तक आने वाला है। अभी देखिए रिसेंटली में होली होने वाली है, होली के बाद हमारा 15 मार्च के बाद ही हमारा जो कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है। फाइनल ईयर का रिजल्ट पहले आ सकता है, 10 तारीख के बाद ही रिजल्ट आ सकता है, और जो कि थर्ड ईयर का रिजल्ट है वो थोड़ा डिले हो सकता है, 15 से 20 से 30 के बीच में ही रिजल्ट आएगा थर्ड ईयर का, जो कि पहले फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम्स पहले हो गए थे और थर्ड ईयर के एग्जाम थोड़े से लेट हुए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग। हम बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म के रिगार्डिंग तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन आई थी एकेटीयू की तरफ से कि 28 फरवरी 2023 में जो कि विभिन्न अध्ययन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म की पुनः तिथि विस्तारित कर दी गई है, ठीक है। तो 10 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भरे जाने की तिथि, दिनांक 11 मार्च तक परीक्षा स्वरूप जमा किए जाने की तिथि ERP पोर्टल खोल दिया गया। तो देखिए गाइस पहले हमारी 25 फरवरी तक एग्जाम फॉर्म की डेट थी, अब उन्होंने क्या कर दिया, 10 मार्च से 11 मार्च तक विस्तारित कर दी गई है। तो वहाँ पर आप लोग 10 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं और 11 मार्च तक आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म की जो कि आप लोगों का एग्जाम फॉर्म आया था उसकी आप लोग जो कि फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। अगर आप फीस में डिले मत करिए गाइस, अगर फी आपने डिले की तो आप लोगों को जो कि है जो फाइन लगने लगेगा, जो कि मैक्सिमम फाइन 5000 रुपीज़ होता है AKTU की तरफ से, उसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा फाइन बढ़ता चला जाता है। तो आप लोग ध्यान रख लीजिए रेगुलर और कैरी ओवर के जितने भी स्टूडेंट हैं 10 मार्च तक अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं मोस्टली उनके कॉलेज के रजिस्ट्रार होते हैं, और जो कि फैकल्टी मेम्बर्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म वो फिल करते हैं। उसके बाद में जो कि सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म खुद से आप लोगों को फिल करने पड़ते हैं। तो गाइस उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बात करना है तो सेकेंड ईयर वालों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपना। बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी गाइस आप लोगों के 14-15 तारीख से होने वाले हैं। जैसे ही एग्जाम फॉर्म आप लोगों का फिल हो जाएगा उसका प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों को देने पड़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप गाइस आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक सब्सक्राइब।